अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत के साथ होंगे। हमारा एक प्लान बन रहा था दिसंबर एंड से कि हम टारगेट अचीव करेंगे तो उसके अगेंस्ट में जो इंसेंटिव मिलेगा उस इंसेंटिव को हम यूटिलाइज़ करेंगे अपना एक पिकनिक ट्रिप प्लान करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फेब में वो इंसेंटिव आ चुका है और हमने अपना ये ट्रिप प्लान करा है। इसमें मेरे और मेरे दोस्त तमाम लोग हम लोग शुक्रान का ट्रिप प्लान किया कि हम वहाँ पर विज़िट करेंगे और हम उसी सफ़र के ऊपर गामजन है। और अभी हम कलर कहार की जो ऊंचाइयां हैं उनको क्रॉस करते हुए कलर कहार का जो स्टॉप है वहाँ पे हम टी ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे जो हम मानसेरा बालाकोट से होते हुए शुक्रान पहुँचेंगे। 2 बजे हम तमाम साथी कलर कहार पे हमने कहा कि हम टी ब्रेक करें। ड्राइवर ने खाना खाना था, उसको भूख लग रही थी और हम लोग घरों से खाना खा के तो हमें हम टी इंजॉय करके ताकि हम भी रिफ़्रेश हो जाएं और हम आगे का सफ़र स्टार्ट करें। रात के 2:30 बजे का टाइम है और हम हवा दवा है अपने सफ़र पे और हम एंजॉय करेंगे इस पूरे ट्रिप को। हम लोग जा रहे हैं जी। कहाँ जा रहे हैं भाई? कभी जा रहे हैं शुक्रान का हमारा प्लान बना है। पूरी टीम हमारी निकल पड़ी है, पीछे मेरी फैमिली भी बैठी हुई है और हम तमाम लोग इस टाइम पे कलर का हाथ से निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं अब शुक्रान की तरफ, जो कि अभी हमारा जो पहला स्टे होगा वो होगा या तो मानसेरा या दुबई। चलें आगे, इमरान साहब का भी चेहरा दिखा दें इसमें। गाइस माशाल्लाह हमने पहला स्टे अपना मानसेरा पे कराया आके और फजर की अजानें हो रही हैं तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे स्टे करें, नमाज ब्रेक लें, जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ अदा करें, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगी, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगी क्योंकि कंटिन्यूसली चलती हुई आ रही थी। हमने कलर कहार पे एक स्टे किया, दूसरा स्टे अब हम मानसेरा करेंगे। अब इसके बाद हम सीधा जाके रुकेंगे कवई पे। रास्ते में हम बालाकोट से होते हुए जाएंगे बट हमारा बालाकोट स्टे करने का कोई भी प्लान नहीं है, हम डायरेक्ट कवई जाएंगे। फिर यहाँ रास्ते में बहुत सी 2 टनल्स आती हैं जिनमें से एक टनल का हम यह व्यू ले रहे हैं। सबसे बड़ी टनल लताबाद में जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल कहा जाता है पाकिस्तान की है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह को आपको मिलाती है। और अब हम यहाँ से इंशाल्लाह डायरेक्ट सफ़र रखेंगे अब अपना बालाकोट से होते हुए कवई का। भाई हम पहुंच गए हैं और ठंड ने हमें जगा दिया है कि यहाँ पे ठंड हमें ज़्यादा मिलेगी, मगर मज़ा आने वाला है। हमें बर्फ़बारी का सीन पूरा है, हमें बर्फ़बारी पूरी मिलेगी तो इंशाल्लाह हम उसे इंजॉय करेंगे। हम लोग अभी बालाकोट पहुंच चुके हैं और अब बालाकोट से हम लोग जाएंगे कागान की तरफ और फिर वहाँ पे जो हमारा स्टे होगा वो है कवई का इलाका। चलो भाई सारा सामान गाड़ी में। हम यहाँ पे रुके हैं जी, हमारा ये नुमाइंदा, इसका दिल खराब हो रहा था, अब फौरन बाल बना रहा है, जैसे कैमरा में बाल बनाना शुरू हो गया। नहीं अब बेहतर हो गया, जैसे मुखे पड़े हैं तो हैं सेट हो गया, अब बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी दवाई देनी पड़ेगी, रुक जा जरा। हाँ भाई ये ले भाई, वो पानी है, वो पानी नहीं सही है। पानी सही है ना? नहीं सही है, पानी ले उसमें से पी उसको। हम लोग भाई शोगरा से अब 13 किलोमीटर दूर है। रात 12 बजे हम लाहौर से चले थे और तकरीबन कोई 5:30 बजे हम मानसेरा थे और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 8:10 और हम शोगरा से 13 किलोमीटर दूर हैं। बस अभी थोड़ी देर में हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे और उम्मीद करते हैं ये वाला जो हमारा एक नमूना है ये खैर आफत के साथ जाए
कोई गन मिलाना करे यहाँ पे, कुछ कहेंगे सर आप? शॉपर आपके पास है सर? कितने शॉपर है? ठीक हो गया, हम लोग आगे फंस गए। अब आगे की जीप के लिए तैयारियां कर रहे हैं कि हमें कोई रीजनेबल प्राइस के अंदर जीप मिल जाए तो हम तमाम लोग ऊपर जाके शुग्रान के ऊपर एक दिन का नाइट स्टे करें। तो अब वही वर्किंग चल रही है, लेट्स सी कि क्या बनता है। शुगल मेला अपनी जगह चल रहा है भाई जी। हम तो यहाँ पे एक स्पॉट पे हमारा प्लान है कि हम नाइट स्टे करेंगे। बाकी वो सारी चीज़ें हम हालात को देखते हुए फाइनलाइज करेंगे कि क्या हालात रहते हैं। ये एंजॉयमेंट चल रही है ब्रेकफास्ट के इंतजार में। एक हमारे पास क्रिश है जो गाड़ी में नहीं जाएगा, चील के ऊपर बैठ के जाएगा या डायरेक्ट चला जाएगा। ये है वो जी, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। नाश्ता आ चुका है, हमने अंडे पराठे चने हमने ऑर्डर किए हुए हैं, अंडे पराठे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे तमाम साथी ताकि रिफ़्रेश हो जाएं और आगे का सफ़र स्टार्ट करें फिर।